हेलो दोस्तों, मैं हूं सफल और आप देख रहे हैं सफल व्लॉग। दोस्तों, ऐसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से यूपीएससी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों मैंने यूपीएससी बी फार्मा के जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की जो वीडियो है वो डाली थी, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लेना। यूपीएससी बी फार्मा के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र किया है। उसके बाद से लगातार आपके ये जो कमेंट आ रहे थे कि यूपीएससी बी फार्मा के जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी बात की जाए। आप जानते ही हैं यूपीएससी की जो फार्मा की आंसर की है वो जारी होगी और बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि उनके कितने नंबर आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, कुछ लोगों के एवरेज आए होंगे, कुछ लोगों के पास तो होंगे काउंसलिंग के लिए मगर बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। जो एवरेज बच्चे हैं और जो इनके एवरेज नंबर आए हैं या कम नंबर आए हैं और पास हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है कि कौन से ऐसे कॉलेज आप चॉइस फिलिंग के टाइम पर रख सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप इनमें चॉइस फिलिंग में काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कौन कौन से कॉलेज होने वाले हैं उनकी बात करेंगे और कितनी उन कॉलेज की रैंक जाती है यूपीएससी की जो ई काउंसलिंग वेबसाइट की तरफ से जो आपको डाटा दिया गया है उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यूपीएससी बी फार्मा के जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको अभी तक यूपीएससी का कट ऑफ नहीं पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बी फार्मा एमसीए और अदर कोर्सेज का, और प्राइवेट कॉलेज की आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो इस वीडियो की अगर शुरुआत करें उससे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो हम आपके सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीधे हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें लो रैंक या कम नंबर या एवरेज नंबर में आपको चॉइस फिलिंग करते हैं तो ये कॉलेज मिलने की चांसेस बन जाते हैं। तो हम आपको सबसे पहले सीधे पहले कॉलेज की बात करें तो वो है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंस लखनऊ। इसमें अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए बात करें 352 से अगर 6074 तक आपकी रैंक आ जाती है तो इसमें आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें, बाबू बनारसी दास कॉलेज जो कि लखनऊ में है, उसमें अगर हम बात करें 388 से 1772 तक जाती है, अगर आप चाहें तो इसमें भी चॉइस फिलिंग के टाइम इसको भी भर सकते हैं। जो गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंस लखनऊ बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अगर आप चाहें तो 352 और 6074 तक रैंक आ जाती है, तो इनमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं, इसको भी काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। अब बात करें अगले कॉलेज की तो वो है राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। इसमें अगर आपकी 752 से 7859 आ जाती है तो आप इसमें भी आप चाहें तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे इसको भी ऑप्शन बना सकते हैं। अब बात करें राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कैंपस आगरा, अगर ये बात करें 400 से 2600 रैंक आ जाती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं और जो सारी रैंक की बात कर रहे हैं वो सारी जनरल रैंक हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको भी अपना ऑप्शन बना सकते हैं। अगला कॉलेज हो सकता है आपका मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेरठ में है, अगर आपकी 1700 से 6000 के बीच में 6600 के बीच में रैंक आ जाती है यूपीएससी बी फार्मा में, तो आप चाहें तो इसको भी अपना ऑप्शन बना सकते हैं। देखिए अगला कॉलेज है केएन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस एंड रिसर्च गाजियाबाद, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं और चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो ये भी आप अपना ऑप्शन काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग के टाइम पे भर सकते हैं। 1113 से 7394 ये रैंक जाती है। देखिए ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग के टाइम पर आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं लो रैंक पर भी। अब हम अगले कुछ कॉलेज की बात कर लेते हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं, तो हम सीधे आ जाते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी गौतम बुद्ध नगर, जिसमें अगर आपकी 1200 से 5000 के बीच में रैंक आ जाती है बैचलर ऑफ फार्मेसी में तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो है आप काउंसलिंग करा सकते हैं। KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आप चाहें तो चॉइस फिलिंग में इसको भी अपना ऑप्शन बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो कि गाजियाबाद में 181 से 1837 के बीच में रैंक आ जाती है, तो आप इसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, गौतम बुद्ध नगर में है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए 3333 से 6830 तक अगर चली जाती है तो आप इसमें भी एडमिशन चाहें तो ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गोरखपुर 5100 से 5000
तक रैंक चली जाती है, 5200 तक चली जाती है इसकी। अगर आप चाहें तो इसको भी ऑप्शन बना सकते हैं। श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बरेली में है, 870 से 3234 तक रैंक जाती है। चाहें तो आप इसमें भी चॉइस फिलिंग के टाइम पे एडमिशन ले सकते हैं। PSIT जो कि कानपुर में प्रवीण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 67 से 4988 रैंक जाती है। आप चाहें तो इसको भी चॉइस फिलिंग में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमने कॉलेज आपको बताए हैं जो कि आप चाहें तो चॉइस फिलिंग में अपनी शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी लो रैंक या एवरेज नंबर या कम नंबर आए हैं तो इनको भी चॉइस फिलिंग में शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज थे जिनको हमने चाहा कि आपके लगातार डाउट आ रहे थे, तो मैंने कहा इस वीडियो को बना दी जाए और आप तक पहुंचा दिया जाए कि काउंसलिंग में इन कॉलेज को आप चाहें तो प्रायोरिटी दे सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कोई भी डाउट है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछ लेना, उसका भी हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते रहते हैं, हमें सपोर्ट करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, और भी कॉलेज अगर होंगे उनको भी हम बताएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट के जरिए पूछ लेना। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।